मैं लिख देता हूं यहां पर तीसरा चौथा फैक्टर लगा लेंगे कौन सा बच्चों हम लोग, दाब, प्रेशर। बोलो अब आप मुझे बताएंगे प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो कैसे प्रेशर बढ़ाने का मतलब, देखो सपोज यहां पर है दो सिलेंडर है, एक में ठीक है ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसको जानते हो ना ऐसे, इसको ऊपर नीचे कर सकता है ऐसे ऐसे करके। तो ये रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसको नीचे धकेल दिया, मतलब दाब बढ़ा, दाब बढ़ाने से क्या होगा, जिनके आपस में रिएक्शन होनी है ए और बी सेम अमाउंट है, इसमें भी और इसमें भी सेम अमाउंट है, ठीक है। तो क्या होगा जब मैं ऊपर से दाब बढ़ाऊंगा प्रेशराइज करूंगा तो ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, है ना, उनके आपस में रिएक्शन करने की टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, सेम अमाउंट ऑफ ए और बी इसमें ज्यादा पे फैला होगा, है ना, गैसियस रिएक्शन में जनरली ये चीज देखी जाएगी, और इसमें जो है दूर दूर होगा, नजदीक हो जाएगा, समझ में आया। तो कहते हैं कि दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाता है, जनरली बढ़ जाता है। लिखो इस बात को, लिखो लिखो अभिक्रिया की दर, लिखो सामान्यतः, ऐसा लिखो सामान्यतः अभिक्रिया की दर दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है, सामान्यतः अभिक्रिया की दर दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है क्योंकि उच्च दाब पर, क्योंकि उच्च दाब पर अभिकारकों में, उच्च दाब पर अभिकारकों में आणविक टक्करों की संख्या बढ़ती है, आणविक टक्करों की संख्या बढ़ती है। तो क्या समझ में आया हमें, यह समझ में आया सर जो अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती होती है किसके, दाब के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पी। क्लियर हो गया, बोलो ठीक है, हटा दूं, ठीक है जी हटा देते हैं। अब हमारा आता है चौथा पांचवा पॉइंट कौन सा, उत्प्रेरक, ठीक है लिख दो यहां पर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, आप बताएं। वैसे तो देखा जाता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में, बहुत पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है अलग से लास्ट में एक अलग से यूनिट आएगी तो उसका नाम ही उत्प्रेरण होगा उस चैप्टर का नाम, ठीक है इसी की यूनिट होगी मतलब काइनेटिक्स की, ठीक है। तो क्या है कैटलिस्ट, हमने क्या देखा है कि ये उत्प्रेरक जो है दो तरीके के होते हैं, ठीक है एक तो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। तो हम एक को बोलते हैं क्या पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को बोलते हैं क्या नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव मतलब समझ लो ना, मतलब धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, समझ में आया। चलो तो जनरली हम क्या करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक की ही बात करते हैं, ठीक है कहीं पर खाली उत्प्रेरक लिखा हुआ है कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो आप धनात्मक की बात करोगे, मतलब ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को क्या हो रहा होगा बढ़ा रहा होगा ना कि घटा रहा होगा, ठीक है उसकी बात नहीं करते जनरली हम, ठीक है। चलो तो हम उत्प्रेरक क्या देखते हैं, उत्प्रेरक क्या करते हैं ध्यान से सुनो, उत्प्रेरक क्या करते हैं किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं मैं बताता हूं, यहां पर एक ग्राफ है इसे बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है मतलब रिएक्शन के होने के ऐसे दर को दिखा रहे हैं और यहां को क्या है एनर्जी है ऊर्जा है, ठीक है एनर्जी ई है, ये किसकी एनर्जी है रिएक्टेंट की जिसे अभिकारक बोलते हो, ये क्या है उत्पाद की से प्रोडक्ट बोलते हैं पी। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, पहले जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी चाहिएगी ना, तभी तो पता है ना रिएक्शन रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तब नए बॉन्ड बनते हैं। तो पहले बेचारा अच्छा खासा भला ए टू था, इसके बीच के जब बॉन्ड टूटे मतलब हाई एनर्जी में गया, पहले इसने एनर्जी रिक्वायर है इसको, ये भी एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, जब टूट जाएंगे ए प्लस ए अलग हो जाएगा तब जाकर के बी भी टूटेगा ऐसे ही करके ना, बी
प्लस बी, तब जाकर के ये आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या है ज्यादा स्थायी है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, कम स्थायी है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो ना, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की एनर्जी ज्यादा है ना, इसका मतलब है इसके कंपैरिजन में कम स्थायी है, और प्रोडक्ट क्या है ज्यादा स्थायी है तो एनर्जी में नीचे है, है ना। तो मेरे समझ एक बात ये आ रही है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जब उनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है ना, तो उसको पहले क्या करना होता है, हाई एनर्जी में जाना होता है, फिर जाकर के वो लो एनर्जी मतलब रिएक्टेंट से भी नीचे चले जाता है, मतलब उनकी स्थायी, उनका स्थायित्व अभिकारकों से भी ज्यादा होता है, तभी वो नीचे है एनर्जी में, ठीक है। तो इसको ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं खैर वैसे तो। तो इस ये जो एनर्जी का गैप दिखाई पड़ रहा तुम्हें, ये है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं ऐसे कुछ हिंदी में, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो अब जब कैटलिस्ट, अभी तो इसमें सपोज इतनी है, इतना ही ना हाई एनर्जी चाहिए इसको यहां जाने के लिए, इतनी एनर्जी से जाना पड़ेगा, जब इन अणुओं के पास इतनी एनर्जी होगी तब जाके यहां जा पाएंगे। सपोज क्या है, इनके पास इतनी नहीं, इतनी एनर्जी है, जा पाएंगे क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, हमें एक अल्टरनेट पाथ दे देता है, एक अलग अलग रास्ता दे देता है, कहता है कम एनर्जी वाला रास्ता है, लो यहां से घुस जाओ, है ना। तो क्या करेगा ये करेगा, इस ट्रांजिशन, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसको क्या कर देता है, नीचे कर देता है, ऐसे कर देता है ऐसे। तो क्या होते हैं, अब बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ ही चले जाते हैं, पहले तो सिर्फ यहां तक जा रहे थे, कुछ यहां तक थे, यहां तक ये नहीं जा पा रहे थे बेचारे, यहीं तक जा रहे थे, लेकिन जैसे इसको नीचे किया तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ ही चले गए। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अभी सपोज 10 मॉलिक्यूल जा रहे थे, अभी कितने जा रहे हैं, 50 जाने लग गए, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भाई जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। बोलो यार, ठीक है, लिखो तो जरा लिखो। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, शाबाश बच्चों लिखो, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। देखो बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तथा ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये बड़ी काम की चीज है भाई इसकी, तथा ये स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, अभिक्रिया के अंत में, या इसी में लिखो पहले, इसी लाइन पे लिखिए बच्चों, अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे डालो वैसे निकल जाते हैं लास्ट में, ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे और इनका कोई यूज नहीं है बच्चों रिएक्शन में, ठीक है। और इनकी लिखो, अंत में इनके रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, मैं कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया, अब ये कैसे बढ़ा देते हैं भाई, नेक्स्ट लाइन से लिखियो, नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, लिखो, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए न्यून ऊर्जा अवरोध, लो एनर्जी बैरियर, दिख रहा है, ये एनर्जी बैरियर है, ये बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं, लो एनर्जी बैरियर, निम्न ऊर्जा अवरोध का एक अन्य मार्ग देते हैं, का एक अन्य मार्ग देते हैं, जिस कारण अधिक संख्या में अभिकारक, जिस कारण अधिक संख्या में अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तथा अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आई बात नहीं आई, बोलो, चलो ठीक है, ऐसा करो उसको बना लो, है ना, इसको बना लो, ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, ये है, ये कौन सा रास्ता है बगैर उत्प्रेरक के, और एक ये छोटा सा रास्ता है चुन्नू वाला उत्प्रेरक वाला। देखो उत्प्रेरक, बगैर उत्प्रेरक के इतनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसे,
कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा है बिना उत्प्रेरक के, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये नीचे वाली, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक वाली। देखो कम है ना, कम है तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ज्यादा अभिकारक क्या हो जाएंगे उत्पाद में चले जाएंगे। बोलो यार कैसा लगा जी इससे मिलके, ठीक है नोट कर लिया, कर ही लिया होगा, ओके हटाऊं, ठीक है अब लगाइए हेडिंग सरफेस एरिया, इसको हटा रहा हूं। अब हेडिंग लगा लेंगे बच्चों सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या होता है जी, सरफेस एरिया क्या होता है जानते हो ना, जैसे बॉक्स है इसका सरफेस एरिया कौन सा, ये जो ऊपर है ये दिख रहा है जो आपको ऐसे ना, ये सरफेस एरिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं सतह क्षेत्रफल सरफेस एरिया वाला, ध्यान रखना ये ज्यादातर किसमें होता है पता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो होती है ना, हेट्रोजीनियस समझते हो ना विषमांगी, जिसमें अभिक्रिया तथा जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक के जो फिजिकल स्टेट होती है भौतिक अवस्था वो क्या होती है एक जैसी नहीं होती है, ठीक है तो उस वाले गैस वाले फेस में ज्यादा होती है, जिसमें क्या होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है ना क्या होते हैं गैस फेज में होते हैं, रिएक्टेंट समझते हैं ना अभिकारक जो है गैस फेज में होते हैं, वहां चलता है कॉन्सेप्ट। कैसे चलता है देखो ध्यान से बताता हूं आपको, आपने एक रिएक्शन देखी होगी कौन सी, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई क्या बन जाता है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, तो ये एनआई क्या है इसमें कैटलिस्ट है, क्या है उत्प्रेरक है, और कैसा है सॉलिड स्टेट में है ना, और ये क्या है यहाँ पर गैस स्टेट में है, तो ये क्या करेगा ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं ना ये सॉलिड के ऊपर क्या होता है बैठते हैं इसके भी ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्या देता है क्षेत्रफल देता है, सतह देता है जिसमें कि वो आपस में बैठे और आपस में रिएक्शन वगैरह करें है ना, तो क्या कहता है ध्यान से सुनो, अब जैसे आपने इसका एक बड़ा सा इतना बड़ा पीस डाल दिया निकल का, सपोज समझने के लिए कह रहा हूं है ना, पीस डाल दिया और दूसरे वाले में आपके पास इतना ही बड़ा पीस एक और था, लेकिन आपने दूसरी रिएक्शन में उसको ऐसे नहीं डाल दिया, आपने उसको तोड़ के डाल दिया, तोड़ के समझते ऐसे 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 बीच में से अगर आपने उसको तोड़ दिया, देखो ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े बना दिए, कैसे बना दिए बच्चों टुकड़े टुकड़े बनाकर डाल दिए, तो बताना जरा किसमें रिएक्शन फास्ट होगी, अभिक्रिया की दर किसमें ज्यादा रहेगी, इसमें ज्यादा रहेगी, कैसे रहेगी जहां ध्यान से सुनो, एक्चुअली में काम हो क्या रहा है ना, जो ये रिएक्टेंट है ना जो अभिकारक है वो क्या कर रहे हैं इनके ऊपर ऐसे बैठ रहे हैं है ना, इसकी जो फ्री सरफेस है ना ऊपर उसमें ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करके बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट में इसको बना रहे हैं और फिर छोड़ के चले जा रहे हैं, ये खाली हो जा रहा है फिर दूसरे मॉलिक्यूल आके बैठ जाते हैं फिर वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे तोड़ के डाल दूं, तोड़ने से क्या होगा ना इसका जो फ्री सरफेस एरिया है जहां पर वो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं ऐसे एडजॉर्ब हो रहे हैं अधिशोषित हो रहे हैं बैठ रहे हैं, वो एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा देखो ना, अब यहां यहां तो बैठेंगे ही यहां यहां, लेकिन यहां भी तो बैठेंगे इधर भी और इसके इधर भी, सिमिलरली इधर भी, समझ में आ रही बात, तो उतने ही अमाउंट को उतने ही भाग को आपने अगर तोड़ के अगर डाल दिया तो क्या हो जाएगा उसका रिएक्शन करने का जो रेट है वो क्या होगा स्पीड है क्या होगी बढ़ जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बोलो सरफेस क्षेत्रफल बोल देते हैं, ठीक है सतह क्षेत्रफल, तो क्या समझ में आया, अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो लिख दो यहां पर अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके सतह क्षेत्रफल के, किसके है सतह क्षेत्रफल के, देख लो भाई क्लियर समझ में आई होगी बात आपके आई होप सो, चलो हटा दो बच्चों इसको, अभिक्रिया की दर क्या है सतह के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हटाए ओके, और भी है कुछ बचा हुआ बताओ, ठीक है
चलो इतने बहुत हैं, सभी कराई दिए हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। एग्जाम में भी आते हैं बच्चों, ऐसे ही नहीं कि मैंने नॉर्मली ऐसे करा दिए हो आपको, नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए ऑब्वियस, लेकिन ये पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता के, ताप के, दाब के, उत्प्रेरक का रिएक्शन अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, इन सबको बच्चों एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, क्लियर। चलिए तो ठीक है, हम नए लेक्चर में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।